गंज थाना पुलिस ने 16 जनवरी 2020 को भागचंद की कोठी में हुई चोरी के दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए डिडवाना जेल से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा अन्य चोरों की तलाशी और चोरी गया माल बरामद करने में जुटी है। गंज थाना पुलिस के ASI रिचपाल सिंह ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को भागचंद की कोठी में शादी समारोह के दौरान लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोर चुरा कर फरार हो गए थे, जिस पर समीर कुमार सोनी ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। गंज थाना पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए डिडवाना पुलिस से संपर्क किया तो चोरी करने आई गैंग का पता चला। गैंग के दो सदस्य डिडवाना में चोरी के आरोप में पहले से ही गिरफ्तार हो चुके, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। मामला ये है कि दिनांक 16/1/2020 को भागचंद कोटी में कोई चोरी हुई थी, कोई गहने वगैरह जेव चोरी करके ले गया था। इसमें समीर कुमार सोने ने अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें चोरी का मुकदमा दर्ज कर रखा अपने। उसमें रणजीत सिंह जी थानेदार जी तफ्तीश कर रहे हैं और दौरान तफ्तीश पता चला कि इन चोरों ने वहाँ डीडवाना में भी चोरी की है और डीडवाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो प्रोडक्शन वारंट के जरिए डीडवाना से जेल से इनको लेके आए गिरफ्तार करके और इनसे तफ्तीश की जा रही है। 5 दिन के रिमांड पे हैं और बरामद के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है? इनका एक का नाम है आतिश नाम है और ये राजगढ़ MP के रहने वाले, दूसरे का नाम है राजेश, ये सांसी जाति के MP के रहने वाले बदमाश गैंग के आदमी है। कोर्ट में पेश करके रिमांड ले लिया इनका 5 दिन का, तफ्तीश चल रहे हैं, उनके बरामद के प्रयास जारी है। और भी मुकदमा दर्ज है इन पे? और भी वहाँ मुकदमे दर्ज है इनके MP में। अभी कितने बाकी है इसमें? मुजरिम और बाकी इनमें, वो इनसे पूछताछ की जा रही है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।